एक हदीस पाक में आता है कि जिसने जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दुरूशी पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीयल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा, अल्लाह ताला 80 मरतबा पढ़ने पर 80 साल के गुनाहों को माफ कर देते हैं। अब आप गौर करें, आमतौर पर उम्र तो 80 साल से कम ही है। आज पर नबी साहब ने फरमाया, मेरी उम्मत की औसत उम्रें बैन 70 व 60, 60-70 के दरमियान होंगी, और आजकल 60-70 के दरमियान ही लोग चले जाते हैं। पहले उम्रें जरा लंबी होती थी, अब तो घटती जा रही है। तो बहरहाल 80 साल के गुनाह माफ होने का दूसरा मतलब क्या है कि नबी इंसान ने फरमाया, जो जुम्मा के दिन असर के बाद ये पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देंगे। आप बताइए ये कितना सस्ता सौदा है। लिहाजा हम में से हर बंदे को इसका मामूल बनाना चाहिए। ये बुखारी शरीफ की रवायत है कि हम जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। घर की औरतों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए कि वो जुम्मा के दिन असर के बाद बच्चों को भी पास बिठाएं और घर के सारे लोग 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ें।